बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉट फ्लेम। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी मीठी वर्की पूरी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये डिश बन जाती है और इजी स्नैक रेसिपी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। इसके अंदर हम 2 मेजरिंग कप मैदा वाइट फ्लोर वो डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 3 टेबलस्पून या फिर 5 टीस्पून हम इसमें घी, कुकिंग ऑयल ये डालेंगे। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे पहले इस तरह से। मिक्स करके फिर हम इसको पानी के साथ गूंदेंगे। ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी एक डो बनाएंगे। जिस तरह से हम आम रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं, तो जितना सख्त वो होता है इतना ही सख्त हम इसकी डो बनाएंगे। ये देखिए, हमने आटा अपना गूंद लिया है। बस हम इसको 2 से 3 मिनट तक और नीड कर लेंगे। ये देखिए, हमारा आटा गूंदकर तैयार हो गया है। ये देखिए इतना है ये सॉफ्ट। बहुत ज़्यादा इसको सॉफ़्ट नहीं करना, क्योंकि फिर इसके बाद जब हम इसकी रोटियां बेल के पूरियां बनाएंगे तो हमें मुश्किल होगी। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हमने एक पैन लिया है, उसमें 1 कप पानी डालेंगे और 2 मेजरिंग कप्स उसमें हम चीनी डाल देंगे। तीन उसमें डालेंगे हम सब्ज़ इलायची और इसको हम अब पकने के लिए रख देंगे। जब ये पानी उबलने लग जाएगा, चीनी सारी मेल्ट हो जाएगी, तो फिर हम इसकी एक तार की चाशनी तैयार करेंगे, जो कि हम आपको दिखाएंगे। हमारी चाशनी तकरीबन पककर तैयार हो चुकी है। इसमें हम अब डालेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। इसको डालकर हम एक बाउल में, एक बिल्कुल ड्राई बाउल में इसके 1-2 ड्रॉप निकालेंगे और उसको चेक करेंगे। ये देखिए, हमारी एक तार की ये चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम अपनी पूरियां बेलना शुरू करेंगे। अच्छा जी, पूरियां बेलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने ये 3 टेबलस्पून लिया है देसी घी। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर की जगह राइस फ्लोर भी ले सकते हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हो तो आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया और इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट की शक्ल में बना दिया। हमको ये जो पेस्ट है ये थोड़ी थिन ही चाहिए, इसको ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारी इस कंसिस्टेंसी की एक पेस्ट तैयार हो जाएगी। इसको हम साइड पर रखेंगे और साथ ही अब हम अपनी पूरियां बेलना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसके इस साइज़ के ये बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये हमने जो आटा बनाया था उस सारे आटे के हमने ये बॉल्स बना कर रख लिए हैं। अब हम इनकी बारी बारी रोटियां बेलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पर मैदा डस्ट किया और अब हम अपनी रोटियां बेलना शुरू करेंगे। ये देखिए, हम इस साइज़ की रोटी बेल कर हमने तैयार कर ली है। अब हम इसको साइड पर रख देंगे और इसी तरह से बारी बारी हम ये सारी रोटियां बेल लेंगे।
हमने उन बॉल्स की तमाम जो बॉल्स थे उनकी रोटियां बेलकर तैयार कर ली हैं इस साइज़ में। अब हमने एक सबसे पहले ये देखिए एक रोटी ली है, इसके ऊपर हमने जो अपनी ये लिक्विड तैयार किया था, एक पेस्ट तैयार की थी देसी घी की और कॉर्नफ्लोर की, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसको सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे यूँ, इस तरह से इसके कॉर्नर्स तक सारा इसको हम इस पेस्ट से, इस पेस्ट को लगा देंगे। इसके ऊपर अब हम अपनी बेली हुई दूसरी रोटी रखेंगे, ये देखिए इस तरह से ये दूसरी रखी। इसके ऊपर फिर हम दोबारा से वो पेस्ट अप्लाई करेंगे, अब हम इसके ऊपर एक और रोटी रख देंगे, फिर उसके ऊपर हमने ये सारी पेस्ट लगा ली है, और एक फोर्थ रोटी और हम इसके ऊपर रखेंगे यूँ। इसकी तमाम एयर बबल्स हम निकाल देंगे और उसके बाद इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम ये लिक्विड लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ये चार रोटियां जिनके ऊपर हमने ये सारा लिक्विड लगा लिया, अब हम इनको फोल्ड करना शुरू करेंगे यूँ, हम इनको एक रोल की शक्ल में फोल्ड करेंगे, स्लोली स्लोली इनको हम यूँ फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए ये हमने इसका एक रोल तैयार कर लिया है। यूँ हम इसको रोल को थोड़ा सा मज़ीद लंबा कर लेंगे ताकि इसके अंदर से तमाम एयर भी निकल जाए और ये एक बैलेंस रोल तैयार हो जाए। देखिए ये इस साइज़ का हमारे पास एक रोल तैयार हो गया है। अब हम एक एक इंच के इसके एक पीसेस काट लेंगे, देखिए इस तरह से। अब हम इसका एक टुकड़ा यूँ उठाएंगे और इस टुकड़े को हम ये देखिए यूँ इस रुख पर रखकर यूँ प्रेस करेंगे, देखिए इस तरह से इसको प्रेस करके हम एक प्लेट में रखना शुरू करेंगे। तमाम रोल्स को हमने यूँ लिया, एक हाथ पर रखा इनको और इस डायरेक्शन में इनको हमने प्रेस किया और हमने प्लेट में रख दिया। देखिए इस तरह से हमने तमाम अपनी जो पूरियों के पेड़े हैं वो बनाकर रख लिए हैं। अब हम इनको बारी बारी फ्राई करना शुरू करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने बोर्ड पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इनमें से एक हम उठाएंगे और इसको हम हल्का हल्का सा बेल कर थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये देखिए इस साइज़ का हमारी इसकी थिकनेस होनी चाहिए ये, और ये उसका साइज़ हो जाएगा। इस तरह से हम अपनी तमाम पूरियां जो हैं वो बेल कर तैयार कर लेंगे, फिर हम इनको डीप फ्राई करेंगे। हमने अपने पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था जो कि अब गरम हो चुका है। इसको हम चेक करेंगे कि एक आटे का छोटा सा बॉल बना के हम इसमें डालेंगे और चेक करेंगे इसको। ये देखिए वो स्लो स्लो ऊपर आना शुरू हो चुका है, हमने इससे ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना। अब हम एक एक करके इसमें अपनी वर्की पूरियां डालना शुरू करेंगे जो कि हमने बेल के रख ली थी इस तरह से। एक टाइम में हमने, क्योंकि हमारे पैन का साइज़ बड़ा है, तो एक टाइम में हम चार पूरियां इसमें डालेंगे।
देखिए हमारी पूरियाँ ऊपर आ चुकी हैं। अब हम इनकी एक दफ़ा डायरेक्शन चेंज कर देंगे। और इसी तरह से इनको स्लो आंच पे पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इनकी साइड चेंज करते रहेंगे और इनको गोल्डन होने तक पकाएंगे। हमारी पूरियों पर बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इनको एक एक करके निकाल लेंगे। अच्छी तरह से ऑयल इनका निकाल दें। और अब हमारे पास अपनी जो बाकी पूरियां हैं वो भी हम फ्राई होने के लिए इसमें डाल देंगे। हमने अपनी तमाम पूरियां फ्राई कर ली हैं। अब हमने ये जो अपना चीनी की वो चाशनी या चीनी का वो पानी का लिक्विड बना कर रखा था, अब हम बारी बारी अपनी पूरियों को इसके अंदर डिप करेंगे। हमने ज़्यादा देर इनको डिप नहीं रखना, बस हम यूँ डिप करेंगे और साथ ही हम इनको निकाल लेंगे और निकाल कर हम प्लेट में रखते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये डिप किया। अगर हम ज़्यादा देर डिप करेंगे तो हमारी पूरियाँ सॉफ़्ट हो जाएंगी, जो कि हमने सॉफ़्ट नहीं करनी है। तो ये तैयार हो चुकी हैं हमारी मज़ेदार मीठी वड़की पूरी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और मेरे चैनल को काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।